जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर मेन रोड में पुलिस को छापेमारी के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक देसी पिस्टल के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक मोटरसाइकिल समेत 3 मोबाइल फोन को पुलिस ने जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सिद्धगोड़ा पुलिस ने विद्यापति नगर मेन रोड पर बाइक सवार 3 युवकों को रोक कर उनकी तलाशी ली, जहां तलाशी के दौरान एक 7.62 का देसी पिस्टल और 3 मोबाइल फोन बरामद किया। वहीं पुलिस के अनुसार परसुड़ी निवासी कर्मवीर सिंह, विद्यापति नगर निवासी सौरभ कुमार, जैमको निवासी सत्यम कुमार मिश्रा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के नियत से हथियार के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, जहां गुप्त सूचना के आधार पर विद्यापति नगर मेन रोड के पास तीनों युवकों को धर दबोचा गया और तलाशी के क्रम में इनके पास से देसी पिस्टल बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों युवकों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज सिद्धगोड़ा थाना में गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग आर्म्स के साथ विद्यापति नगर में घूम रहे हैं। सूचना के सत्यापन के संदर्भ में यहां से एक टीम रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भेजी गई थी, जिनके द्वारा एक बाइक पर 3 लोगों को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया। करमवीर सिंह के पास एक 7.62 का देसी कट्टा उसके पास पाया गया, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुल 3 अभियुक्त पकड़ाए हैं। अभी अनुसंधान के उपरांत ही यह निर्णय लिया पाएगा कि आर्म्स किसके द्वारा दिया गया था। आर्म्स करमवीर सिंह के पास से बरामद किया गया था। वैसा कोई अभी आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास है। पूछताछ के क्रम में तो वैसी कोई योजनाएं नहीं थी। उनके द्वारा कहा गया कि सौख्या रूप से रख रहे हैं, हम लोग विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान में जो भी विषय वस्तु आएंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे।